हमें लिफ्ट मिली थी 14 किलोमीटर की, बट पहले और 14 किलोमीटर बढ़ा, उसके बाद अभी और कम से कम 10-12 किलोमीटर बढ़ गया है भाई। अगर चलो आपको और जितना आगे तक छोड़ पाएंगे उतना आगे छोड़ेंगे भाई। मतलब ऐसी हॉस्पिटल जब मिल जाती है ना कहीं किसी भी जगह मिल जाए भाई, वो स्टेट मतलब हमें पसंद आने लग जाती है। और भाई 2.5 घंटे हो चुके हैं यहीं खड़े खड़े एंड कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी। ठीक है, अभी पुलिस वाले मान गए हैं, पुलिस वाले अभी कह रहे हैं कि चलो कोई बस वगैरह आएगी या कोई प्राइवेट गाड़ी आएगी तो उसमें बैठा के आपको यहाँ से देवभोग भेज देंगे। भाई जिसे कहते हैं ना कि मन भर जाना किसी से, किसी के प्यार से मन भर जाना, वो हो गया आज सही में। बहुत अच्छा लगा, मतलब अंदर से भाई खुशी हो रही थी पर खुशी के आंसू भी आने वाले ही थे, बस यहाँ आ गए थे भाई, यहाँ आ गए थे। तो दोस्तों वेलकम टू जिट व्लॉग्स, और आज हमारी भारत यात्रा का है डे 250। 250 दिन पूरे हो चुके हैं भाई भारत यात्रा करते हुए, ऐसी सोलो ट्रैवल पूरा हाईजैकिंग कर करके। और आज हम यहां से जाने वाले हैं भाई सीधा ओडिशा की तरफ, भुवनेश्वर पुरी की तरफ, जिसका डिस्टेंस टोटल हमें पड़ेगा भाई 700 किलोमीटर। तो एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, 2-3 दिन लग जाएंगे। तो चलिए भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। मजा आया भाई यहाँ पे स्टे करके, और अच्छी खासी ठंडी जगह भी है। मतलब अंदर ठंड थी भाई, मेरे को रात को बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही थी, और बाहर आते ही भाई ऐसा लग रहा है जैसे हीटर ऑन हो गया। एंड टेम्परेचर भाई यहाँ का वही तकरीबन 40 के आसपास चल रहा है भाई, 40-41 के आसपास। पर ये अच्छा है कि आज भाई ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि सामने ही भाई देख सकते हो कि वहाँ पे है हाईवे, और वहीं से हमें पहली लिफ्ट लेनी है सीधा उड़ीसा के लिए। यहाँ पे एक भाई मिल गया था हमें, ये वाले, जिनसे हमने बहुत सारी बातें करी भाई रात के 12-1 बजे तक, इनसे हम बातें करते रहे भाई। चलिए अब चलते हैं भाई सीधा हाईवे की तरफ एंड लेते हैं अपनी पहली लिफ्ट। तो भाई हाईवे पे तो आ गए हैं, बट ये वाला हाईवे थोड़ा ज़्यादा ही सुनसान लग रहा है। एक आधी गाड़ी आ रही है बड़ी मुश्किल से, वो भी जैसे अभी आ रही है, वैसे तो ये भी नहीं आई थी, आपके लिए बोलना पड़ रहा है। पर धूप इतनी तगड़ी कोई इसका भाई वो मैंने कॉम्पिटिशन नहीं देखा, ये सबसे गंदी वाली धूप यहीं पे भाई। चलो आज की हमें पहली लिफ्ट मिल चुकी है यहाँ से 14 किलोमीटर दूर तक की, अंकल जी ने भाई लिफ्ट दे दी। एंड धूप थोड़ी ज़्यादा, मैंने कहा चलो यार 14-14 करके भी अगर मिल जा रही है तो ले लो, क्योंकि क्या पता आगे जाके थोड़ा रश हो। यहाँ पे तो बिल्कुल खाली सा माहौल है। जगन्नाथपुरी की तरफ ऐसे जी लिफ्ट ले लेके, या फिर बाय वॉक या लिफ्ट, ऐसे लिफ्ट ही निकल रहे हैं हम लोग। हाँ, अभी तक ट्रांसपोर्टेशन पूरा जीरो है, ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट जितना भी है पूरा जीरो है। तो भाई लोग हमें लिफ्ट मिली थी 14 किलोमीटर की, बट पहले और 14 किलोमीटर बढ़ा, उसके बाद अभी और कम से कम 10-12 किलोमीटर बढ़ गया है भाई। अगर चलो आपको और जितना आगे तक छोड़ पाएंगे उतना आगे छोड़ेंगे भाई, 40-45 किलोमीटर कम से कम हो गया। मजा आ गया, मतलब यार कल भाई 50 किलोमीटर करने में कितना टाइम लग गया था, एंड आज ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर होने वाला है, आधा 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा भाई। तो मजा आ गया भाई ऐसी हॉस्पिटलिटी देख के तो भाई छत्तीसगढ़ में। तो भैया हमें लेके आए भाई सीधा मैनपुर, मतलब तकरीबन 50 किलोमीटर आगे भाई गरियाबंद से सीधी लिफ्ट मिल गई, सीधी लिफ्ट मिल गई 50 किलोमीटर की। पर भैया जा रहे थे भाई 14 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक आ गए हमारे साथ ही हमारे छोड़ने के लिए। एंड यहाँ पे भाई भैया लोग हैं, आपने ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया, तो हमने कहा भाई ने किया तो नहीं है, तो फिर डोसा वोसा बनवा रहे हैं भाई, मसाला डोसा खा के फिर निकलेंगे आगे। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, उनके साथ उनके पिताजी हैं, और ये रहने वाले भैया वैसे यूपी से हैं, बट इनका भाई जो बेसिक घर है वो यहीं पे है। भैया तो भाई बिल्कुल दिलदार है, मतलब पहले डोसा खिला दिया, फिर साथ में भाई आइसक्रीम लेके आ गए यहाँ से भाई, और साथ में मूंगफली उफली दिलवा दी रस्ते के लिए। मज़ा आ गया भैया साथ मिलके तो भाई, मतलब ऐसी हॉस्पिटल जब मिल जाती है ना कहीं किसी भी जगह मिल जाए भाई, वो स्टेट मतलब हमें पसंद आने लग जाती है, और पता लग जाता है कि वहाँ पे इतने अच्छे लोग भाई एग्जिस्ट करते हैं। भैया बाय बाय, थैंक यू सो मच। भैया लोगों ने हमें भी यहाँ पे छोड़ दिया, एंड थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे भाई, फिर चलेंगे आगे वो छाँव में फिर अपना लिफ्ट लेने के लिए, दूसरी लिफ्ट आज की। तो भाई लोग सेकंड लिफ्ट के लिए तैयार, पहली लिफ्ट तो बहुत ही अच्छी मिली, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब सेकंड लिफ्ट देखते हैं भाई कौन देता है और कितनी लंबी। एक लिफ्ट अच्छी मिली भाई, उसके बाद हम कम से कम 1.5 घंटा या 1 घंटा हो चुका है यहाँ पे खड़े हुए, कोई लिफ्ट नहीं, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा, कुछ नहीं हो रहा है भाई। कल वाला सीन हमें लगा था कि आज का दिन अच्छा जाएगा क्योंकि पहली लिफ्ट अच्छी मिली थी, बट नहीं भाई वैसे ही दिन जा रहे हैं जैसे छत्तीसगढ़ में हमारे रेगुलर जा रहे थे भाई। जी भैया देवभोग की तरफ जाना, किसी में भी चलेगा। देवभोग पहुंच जाए बस भाई, 2.5 घंटे हो चुके हैं यहीं खड़े खड़े, एंड कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी। यहाँ पे एक होटल वाले भैया है, मतलब उनकी छोटी मोटी दुकान है, तो उन्होंने कहा भाई रेफरेंस दी कि आपको नहीं मिलेगी लिफ्ट, और आप जाके भाई पुलिस वालों से बात कर लो। मैं तो मना कर रहा था क्योंकि मेरे भाई एक्सपीरियंसेस बुरे रहे हैं पुलिस वालों के साथ, मतलब बुरे तो नहीं कह सकता, मतलब मेरे को हेल्पफुल मिले नहीं भाई इतने, सही बताऊं तो इनको मिले हैं भाई, तो इनका एक्सपीरियंस अच्छा था। तो भाई खास भाई कहते चलो जाके पूछते हैं एक बार, पूछने में कहा जाता है, मेरे को मन नहीं था भाई सही बताऊं तो, क्योंकि अगर कोई एक बार बंदा सुबह आपको या दोपहर के टाइम पे आपको बोल देना कुछ ऐसा डीमोटिवेटेड टाइप या गुस्से में बोल दे तो पूरा दिन मोड ऑफ चला जाता है। बट भाई ने पूछा भाई, तो ठीक है अभी पुलिस वाले मान गए हैं, पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि चलो कोई बस वगैरह आएगी या कोई प्राइवेट गाड़ी आएगी तो उसमें बैठा के आपको यहाँ से देवभोग भेज देंगे, जो कि ओडिशा का ही हिस्सा पड़ता है। तो चलो भाई पहुँच तो जाएंगे शायद आज।
आर्मी वाले भैया ने भाई यहाँ पे हमारी बस जो है अरेंज करवा दी। अब चलते हैं भाई। राजकुमार भैया ने हमें यहाँ पे भाई बस में जगह दिलवा दी एंड यहाँ भाई इनके जो ड्राइवर कंडक्टर भाई ये भी बहुत बढ़िया है भाई, जिन्होंने लिफ्ट दे दी। और रास्ते पुलिस की बात माननी पड़ती है, फिर भी भाई इशू नहीं किया कोई भी एंड मिल गई भाई हमें लिफ्ट आज की। 3 घंटे खड़े रहने के बाद भाई लिफ्ट मिल गया। चाहे खड़ा रह के जाना पड़े बस में तो पर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी खड़े थे बस में खड़े जाएंगे। बैठ गए भाई बस में एंड थोड़ा बुरा हाल है, क्या नहीं है कैसे 3 घंटे के बाद पुलिस भैया था राजकुमार भैया। 3.5-4 घंटे हो गए भाई वहीं खड़े हैं, हालत पूरी खराब हो चुकी है। बस में बंदे भरे जा रहे हैं बट बस नहीं चल रही अभी तक। बस वाले का रूट भाई और चलाने का तरीका थोड़ा ज्यादा ही कैजुअल है, सीधा सड़क सीधी सड़क थी भाई और बस वाला बीच में कभी गांव में गुजरा। तो भाई लोग बस वाले भैया ने हमें छोड़ दिया है सीधा देवभोग, सीधा तो नहीं छोड़ा वैसे, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के छोड़ा है। और बैग वैग हमारे काफी गंदे हो गए हैं, छोटा वाला बैग मैंने आकर रख लिया क्योंकि भाई इसमें इंपॉर्टेंट सामान रहता है। अभी हमें कुछ नहीं पता भाई जाना कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। एंड भाई यहाँ पे स्टे भी ढूंढनी पड़ेगी, बुरी हालत हो गई है रास्ते में आते थे, बहुत ही ज्यादा वाली गर्मी हो गई थी एंड पब्लिक भी पूरी ज्यादा ही भाई भर गई थी बस में। तो चलिए अभी यहाँ पे भाई ढूंढते हैं, पहले तो थोड़ा खाने पीने का इंतजाम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई रहना कहाँ पे आज। स्टे ढूंढते ढूंढते भाई एक लॉज में आए हैं, मतलब और कुछ तो था नहीं यहाँ पे, तो आसरा लॉज है भाई, देखते हैं आसरा देते या नहीं देते। तो भाई आसरा लॉज वाले ने तो मना कर दिया, कोई आसरा वासरा नहीं मिला वहाँ से एंड मतलब वो बोल रहे थे कि हो जाएगा पर पेड़ मांग रहे थे, मतलब 400 रुपये 2 बंदों का भाई। इसमें तो भाई 2 बड़े बड़े होटल भी हो जाए आज के दिन में भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मतलब सुबह निकले 3-4 घंटे तक लिफ्ट नहीं मिली, फिर उसके बाद एक बस मिली जिसने भाई हमें यहाँ पे छोड़ दिया जो वो, और यहाँ पे भाई आए तो पहले कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, अब 3-4 लोग इकट्ठे ही मिल गए। तो खाने का तो शायद हमारा हो रहा है अभी और रहने का भी आई थिंक सो कि हो ही जाएगा, बट पहले खाना मिल रहा था भाई, खाना खा लेते हैं भूख तो लगी है। तो भाई फाइनली कुछ नहीं मिल रहा था और अब देखो हमारे सामने भाई 56 भोग सज चुके हैं, किन की वजह से, मयूर भैया की वजह से। एंड इन्होंने भाई यहाँ पे एक राजस्थानी थाली वाले भैया यहाँ पे मतलब डिनर विनर मिल जाता है, तो उनको बोल के हमारा जो है डिनर सेट करवा दिया, अभी रहने के लिए भी करवा रहे हैं भाई, देखते हैं अगर मिल जाए बढ़िया से। तो भाई जिसे कहते हैं ना कि मन भर जाना किसी से, किसी के प्यार से मन भर जाना, वो हो गया आज सही में। मतलब हम यहाँ पहुँचे थे भाई तो हम फंसे हुए, ऐसा लग रहा था कि कुछ होएगा ही नहीं, और लॉज में गए वहाँ भी नहीं मिला आसरा, बट भाई पता नहीं कैसे गेम घूमी भाई। एक मंदिर के बाहर खड़े थे, वहाँ एक भाई मिले, वो हम एक दुकान पे लेके गए कि दुकान पे भैया हमें अंकल मिल गए, उन्होंने हमें थोड़ा बहुत हमसे पूछा, फिर उन्होंने खाना खाने के लिए चले गए उन्हीं के साथ, उन्होंने भाई हमारी स्टे भी करवा दी, मतलब सब कुछ करवा दिया। पता नहीं कैसे हमारा तो ये हो गया था कि भैया पता नहीं हमें तो भाई कुछ नहीं पता था कि कहाँ सोना है कहाँ रहना, कुछ नहीं पता था, एकदम से सारा ऐसे ऐसे पलट गया। और उन्होंने मिठाई का डब्बा वगैरह भी दे दिया और मतलब पूरी मेहमान नवाजी हो रही थी भाई, और बहुत अच्छा लगा, मतलब अंदर से भाई खुशी हो रही थी, पर खुशी के आंसू भी आने वाले ही थे, बस यहाँ आ गए थे भाई, यहाँ आ गए थे, बट वो हमने रोक लिया कि थोड़ा अच्छा नहीं लगता, फिर अभी यहाँ रुकेंगे भाई। ये पीछे देख सकते हो आप माँ संतोषी लॉज करके है, और भैया को भी लेने गए हैं दूसरे वाले भैया, ट्रिपलिंग करके आएंगे तो भाई देखते हैं क्या बात बनती है यहाँ पे। हाँ जी, अभी अंकल जी ने भाई यहाँ पे स्टे दिलवा दी, अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई, आपको दिखाते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच। जरूर जरूर मिलेंगे, यहाँ आएंगे तो आपका नाम याद रहेगा पक्का। चलो यार, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अंकल जी ने हमें यहाँ पे भाई स्टे दिलवा दी है एंड भाई पता नहीं क्या से क्या हो गया, भगवान ने आज सही में भाई यकीन हो गया कि वो है, वो अपने आप संभाल लेगा। तो आज का ये ब्लॉग यहीं तक था, आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और शेयर करो दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।